हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी 9 बज रहे सुबह के, और अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया है। मतलब वीरू के लिए खाना वगैरह बना के उसको टिफिन देके रेडी करके स्कूल भेज दिया था, लेकिन फिर मैं वापस सो गई थी। पता नहीं क्या हो रहा है ना, 3-4 दिन हो गए, थोड़ा तबीयत सही नहीं चल रहा है। काम करती हूँ, एकदम से शरीर में वाइब्रेट हो जाता है शरीर, मतलब कंपन सा होता है पूरा शरीर, और ठंडी लगने लग जाती है मुझे, और थकान भी इतनी हो रही है ना। मतलब थोड़ा काम करती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो वैसे मैं कल डॉक्टर को दिखा के आई थी, दवाई अभी दी है, तो अभी जस्ट मैंने दवाई दी है, और डॉक्टर ने बोला था खाना खाने से आधे घंटे पहले दवाई ले लेना। तो अभी मैंने कुछ खाया भी नहीं था, और मेरे कुछ पहले की भी दवाइयाँ चल रही थी वो भी पहले ले ली थी, जो भी खाने से पहले की हैं, और अभी मैंने वो जो कल वाली दवाइयाँ हैं वो ले ली हैं, और अभी मैं कुछ खा लेती हूँ। मतलब थोड़ा टाइम भी हो गया, मतलब पहले कुछ बना लेती हूँ, बनेगा तब तक टाइम हो जाएगा तो फिर खाऊंगी। भूख भी लग रही है, और टीना भी जल्दी उठ गई थी तो उसको मैंने नाश्ता वगैरह करवा दिया है, तो वो अभी बाहर है हॉल में, तो अभी मैं कुछ बना लेती हूँ। तो चाय वगैरह भी नहीं पिया मैंने, और अभी 3-4 दिन हो गए ना, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने चाय छोड़ दी है, इसकी वजह से हो रहा है। तो हस्बैंड ने मतलब बच्चों का बंद करवा दिया चाय, तो फिर मैंने भी बनाना बंद कर दिया है, क्योंकि मुझे अकेले फिर बना के पीना पड़ता है, तो इस वजह से मैं नहीं पी रही हूँ। तो देखते हैं क्या होता है, पहले आज तो मैं चाय बना के पीती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने रोटी बना दी है और चाय भी बनने के लिए रख दी है। तो अभी है ना, क्या करूँगी कि जब भी मेरा मन होता है चाय के साथ पराठे खाने का, तो पहले तो मैं नॉर्मल पराठे ही बना देती थी, लेकिन अभी क्या करती हूँ, इस टाइप से मैं पराठे बनाती हूँ लेयर वाले, तो वो बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि क्रिस्पी बनते हैं। वो वाले पराठे भी अच्छे लगते हैं लेकिन वो नरम पड़ जाते हैं बहुत जल्दी, और ये वाले हैं ना इतने क्रिस्पी रहते हैं कि खाने में बहुत ही मज़ा आता है। तो देखिए मैंने बना दिया है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, रोटी सा बनाना है, उस पर थोड़ा सा घी लगा के सूखा आटा लगा के उसको फोल्ड कर लेंगे, और फिर उसको वापस से लोइया बना के बेल देंगे। और ये वाला पराठा सच में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये बहुत क्रिस्पी होता है। तो चलिए जल्दी से इसको बेल देते हैं, और अगर कोशिश करूँ कि इसको हाथ से ही बेलूँ, लेकिन मुझे सुबह सुबह है ना बहुत तेज़ वाली भूख लग रही थी, तो मैंने फिर इसको बेलन से ही बेल दिया है। तो इस टाइप से बेलते हैं ना तो थोड़ी सी परतें कम खुलती है, लेकिन हाथ से बेलते हैं ना तो बहुत सारी परतें खुलती है, और वो खाने में और भी अच्छा लगता है। तो चलिए जल्दी से बना देते हैं।
ये देखिए पराठा बन गया है और मैंने अपने लिए चाय भी निकाल दी है और सिर्फ मेरे लिए बनाइए, बच्चों को मैंने दूध दे दिया था। तो ये देखिए अभी एक और पराठा बनाया है, तो टीना मांगेगी तो मैं उसको भी खिला दूँगी। तो चलिए अभी नाश्ता कर लेते हैं। तो नाश्ता मैंने कर लिया था और फिर जो कपड़े थे उनको मैंने धो दिया था, लेकिन अभी उनको निचोड़ना बाकी है और मुझे और दूसरा काम भी करना था। तो यहाँ पर मैंने क्या करा कि जो कपड़े निचोड़ने हैं वो पहले मैं निचोड़ देती हूँ, फिर बाद में रोटी वगैरह बनाना है तो मैं बाद में बना लूँगी, उससे पहले मैं कपड़े निचोड़ के जल्दी से सुखा दूँगी। बारिश बहुत हो रही है तो कपड़े सूखते भी नहीं हैं, तो उसकी वजह से पहले कपड़े धोना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए जल्दी से निचोड़ देते हैं। फिर क्या हुआ, जो भी सारा काम था वो मैंने करा और खाना वगैरह खाया, दवाई वगैरह लिया, फिर बच्चों को मैंने सुला दिया था। और अभी है ना 3:30 बज रहे थे लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा काफ़ी टाइम से कमेंट आ रहे हैं कि आप साड़ी ड्रेपिंग का वीडियो लेके आओ, तो मैंने सोचा कि मैं अभी वीडियो शूट कर लेती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं मेकअप वगैरह करने लगती हूँ तो बच्चे उठ जाते हैं, टीना उठ गई, थोड़ा सा ही मतलब अगर कुछ लाइट वगैरह चालू होता है ना तो बच्चे उठ जाते हैं। तो फिर क्या था, वो खेल रही हैं, बीच बीच में आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, आते हैं बच्चे। तो चलिए मैं अपना जो वीडियो है कंटिन्यू करती हूँ। और ये कॉटन साड़ी है जो कि काफ़ी टाइम से मेरे पास पड़ा था, तो आज मैं इसको यूज़ में ले रही हूँ और बहुत अच्छे से इसकी प्लेट्स वगैरह बन जाते हैं, बहुत मतलब कंफर्टेबल साड़ी है। लेकिन ऐसी साड़ियाँ मैं बहुत कम पहनती हूँ क्योंकि मुझे इसमें काम नहीं होता है, मुझे जॉर्जेट की साड़ियाँ ही पसंद रहती है जिसमें अच्छे से काम हो जाता है। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक, कैसा लगा आपको प्लीज़ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।